कंफ्यूज कर रही थी। यहाँ पे क्या है आपका कि उसने एक साइड से, बस दिख रहा है ना तुम लोगों को स्क्रीन पे, ये अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैम देखने ना, नो नहीं मैम नहीं वीडियो नहीं कह रही मैं, वो स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना तुम लोगों मेरी भी नहीं दिख रही मैम। को, ये दिख रही यस मैम दिख रहा है, दिख रही है मैम, दिख रही है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक प्लस ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे सेम इसने बता रखा है कि इसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ये चीजें ऐसे हो सकता है या ऐसे लेंथ में प्रोवाइड कर रखा है। तो एक फॉर्मूला बना दिया इसने कि प्लस वेलोसिटी कैसे निकलेगी, बी एल, जिस लेंथ तक आपने, जैसे मान लो ये पूरी लेंथ आपकी 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर का है, और कितने टाइम में जा रही है वो, मतलब जो आपने प्रोवाइड करी है, जो उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स आपने छोड़ी है, ठीक है, वो कितनी देर में वहां से पास हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी पता लग जाएगी हमें। तो सिंपल है, यहाँ तक समझ आया कि हम क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, होमोजेनिटी चेक करते हैं, या इक्वालिटी लगा लो, या वॉइड्स चेक कर सकते हैं, उसमें ज्यादा वॉइड होंगे तो क्या है आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर मान लो वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर वॉइड्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसके अंदर जो सेग्रेशन हो रखी है कंक्रीट की, अलग हो रखा है आपका सेग्रेशन जो कंक्रीट है, तो ये चीज पता लग जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि कंक्रीट आपका अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो याद रखना हमने कि हम इस टेस्ट से क्या पता कर रहे हैं, कंक्रीट की क्वालिटी पता कर रहे हैं, और वॉइड क्रैक कितने हैं ये चीज पता कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी जो हमने एक साइड से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी, दूसरी साइड से जा रही है आपकी, उसमें वेलोसिटी जो आपकी ज्यादा आई है, जैसे मान लो आगे दे भी रखा है इसने कि अगर वो वेलोसिटी 4 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो कंक्रीट की कंडीशन क्या है, एक्सीलेंट है, ठीक है, और अगर 3.5 से 4 है तो गुड क्वालिटी का है, और 3 से 3.5 है तो मीडियम है, और 3 से कम है तो आपका पुअर क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी कि हमने वो ट्रांसमिट किया, उससे हमें वेलोसिटी पता लग जाएगी, हम अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो हमें ये पता लग जाएगा कि क्वालिटी अच्छी है, और वेलोसिटी कम है तो आपका ये पता लग जाएगा कि जो वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वॉइड्स है और क्रैक है। और कैसे पता करेंगे हम लोग, ये वैल्यू दे रखी है, इस टेबल से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी 4 से ज्यादा आई है तो एक्सीलेंट है, अगर इससे 3.5 से 4 आई है तो ये तुम देख लेना टेबल, और इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जो, मतलब पढ़ोगे तो सिंपल वही चीज जो प्रोसेस उसने समझाया है वही है, ठीक है। और मतलब कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, पाथ लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगी उस वो इफेक्ट करेगी, कम ज्यादा लेंथ है तो वो, और प्रेजेंस ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट कितना है उससे उस ये बात भी उसको इफेक्ट करेगी। और दूसरा, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो मॉइस्चर कंटेंट अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज उसको इफेक्ट करेगी। तो क्लियर है तुम लोगों को। नेक्स्ट जो है आपका वो कोर कंक्रीट है, बाकी मैं तुम लोगों को वीडियो भेजूंगी, फिर से देख लेना ये और देख लो मैम। जी स्क्रीन बस एक ही जगह रुकी हुई है, सिम्पटम्स ऑफ डेट्रिएशन वाले पे, आगे तो कुछ शो ही नहीं हुआ। तुम्हें यही तो पूछ रही थी, फिर क्यों हाँ भर रहे हो मैम, स्क्रीन तो शो हो रही है पर उसमें पेज वही आ रहा है, पेज वही आ रहा है। Yes, ma'am, उसके चलो ठीक है, इस वीडियो को देखो जल्दी से, अब तो दिख रही है ना वीडियो तो, नो मैम वीडियो यहाँ पे जितना पढ़ाया ना मैम कुछ नहीं दिखा रही है वीडियो के अलावा। अब शो हो रही है, ये कंक्रीट कोर टेस्ट है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे वो वाले में तो हम लोग जो बना हुआ है उसी को वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो ऐसे करके कहीं से एक लंबा हमने सिलेंड्रिकली वो निकाल लिया, जो हमारा बना हुआ बिल्डिंग कहीं एक जगह से हम निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे निकाल लिया आपने, उसकी लेंथ मेजर कर ली,
उसका वेट कर लिया। कंक्रीट कोर टेस्ट में कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकली देख लिया तुमने कैसा निकाला इसने, ठीक है, ये निकाला है उसने कहीं कोई जो बनी हुई जगह है वहां से एक ये सिलेंड्रिकल मतलब वो निकाल लिया आपने। और उसके बाद इसको क्या किया, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते थे ना क्यूब की, वैसे ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुमने सीटी भी किया होगा कि कैसे करते हैं, ऊपर वैल्यू आती है उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि कितने टाइम में वो क्रैश हुआ है आपका, टूटा है, ठीक है, वो वैसे चेक कर सकते हैं हम लोग। अब भी नहीं दिख रही है तुम लोगों को स्क्रीन, दिख रही है तो शो दिख रही है अभी, अब चलिए नहीं अब शो हो रही है। एक मिनट मैं नीचे लेके जा रही हूँ, तब देख बताना मेरे को, टाइम ही खत्म हुआ है यार आज का तो। कोई बात नहीं, जो अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी वाला वो तुम्हें आसानी से समझ आएगा वीडियो से, ठीक है। रिबॉन्ड हैम्बर टेस्ट वाला भी तुम्हें आसानी से समझ आएगा, और सेम चीज जो वहां एक्सप्लेन किया उसने सेम चीज यहां लिखी हुई है। मैं ये बता रही थी अल्ट्रासोनिक प्लस, अब दिख रही है अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी वाला, इसने लिखा रखा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल है, ये बता रही थी मैं, इस टेबल से तुम्हें पता लगेगा अगर ये वैल्यू जो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू इतनी फोर्स से ज्यादा आएगी तो वो एक्सीलेंट क्वालिटी का कंक्रीट है, ठीक है। और अगर मान लो 3.5 से 4 पे आएगी तो वो गुड है, ठीक है। ये चीज हमने देखनी है, चेक करनी है कि उसकी हमारे में कितनी आ रही है। और कोर टेस्ट वाला लास्ट टेस्ट है तुम्हारा, इसमें हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वही कैसे वो क्यूब वो सिलेंड्रिकल वो निकाला है उसने, उसको क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिससे चेक करते हैं उस टेस्ट उसमें रखा है मशीन में, ठीक है। एक मिनट बचा है, इसको पढ़ लेना, अब बाकी हम बाद में देखेंगे, मैं क्वेश्चन बनाऊंगी इन टेस्ट से,